आगे आओ। मई 2024 के दरमियानी रात को मालीपुर थाना क्षेत्र के धमरुआ गांव से एक बोलेरो चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में थाना क्षेत्र में ही मुकदमा पंजीकृत था। इस बोलेरो के चोरी होने के बाद से ही पुलिस, मालीपुर पुलिस और जिले की स्वाट टीम एक्टिव हो गई थी इस प्रकरण के खुलासे के लिए। उसी के क्रम में ये चोरी हुआ कटा फटा बोलेरो बरामद किया गया और इन किसके साथ जो इसको तोड़ने फोड़ने चोरी करके गाड़ियों को तोड़ फोड़ करके बेचने का काम करते थे, ये तीन गिरोह बना करके चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों मशरूर उर्फ मशरूफ लखमापुर थाना खेतासराय जनपद जौनपुर का रहने वाले हैं। एक अगला है मोहम्मद ठन्नू सना फिटकरी हरिकापुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर का रहने वाला, और तीसरा जो लड़का है वो है अदनान उर्फ सोनू सनाब शहाबुद्दीन भरेठी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसमें मुख्य चोर कौन? इसमें सबसे मुख्य चोर है मोहम्मद मशरूफ उर्फ मशरूफ, जो 50 साल का है। ये है, इसके खिलाफ करीब 13 मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद जौनपुर से लेकर के मालीपुर में, कई जनपदों में इसके खिलाफ 13 अभियोग पंजीकृत है। ये और जो इसमें शामिल जो कटा है इसके, इसमें दूसरा जो है ठन्नू, इसके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और सोनू के खिलाफ कुल 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनको अब गिरफ्तार करके क्या बोलेरो बरामद बोलेरो के अलावा इनके पास से 2 अदद इंजन जो कि बोलेरो गाड़ी के हैं वो भी बरामद हुआ है, और 1 अदद बोलेरो वाहन जो कि नेवड़िया थाना से चोरी किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। वहाँ पर इसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत है। टीम में कौन कौन थे? यही तीनों थे इसमें, नहीं पुलिस टीम में। हाँ, पुलिस टीम को गिरफ्तार करने में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मालीपुर पुलिस टीम थी, विशेष रूप से उपनिरीक्षक हवलदार सिंह यादव, हेड कांस्टेबल विनोद प्रचेता, हेड कांस्टेबल अतप कुमार, कांस्टेबल अमर सिंह और हमारी एसओ का इसमें विशेष मार्गदर्शन और लगातार इसके बारे में सक्रिय रहना था हम लोगों का और हमारे उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन निर्देशन इस संदर्भ